सो वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग. ओके, पहले इंट्रो. सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. तो आज है 7th of November 2020 और आज हम फाइनली लेने जा रहे हैं हमारे अमय बाइक की डिलीवरी, जो कि है रॉयल एनफील्ड हिमालयन. वैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा. वेल, अभी मैं करता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट और होता हूँ फटाफट रेडी और आपको रेडी होकर मिलता हूँ. ऑल राइट, तो अभी टाइम बज रहा है 10:30 और मुझे अभी अभी अमय ने कॉल किया. सो अभी हम निकल रहे हैं पंजिम के लिए. वो आने वाले थे और मुझे पिकअप करने के लिए अमय आने वाला है. तो लेट्स गो, अभी रुकते हैं उनके लिए. और रोज़ की तरह आज भी हम लोग लेट हैं. एक्चुअली प्लान था 10 बजे का और अभी बज रहा है 10:30, 10:30. मैं इधर उनका वेट करता हूँ. हेलो बाबा, पाउत लो बाहर चल रहा हूँ. तो लो जी, 10 मिनट वेट करवाने के बाद आ ही गया. कितना टाइम रहे? एनीवेज, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको अंदर मिलता हूँ. ऑल राइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मापसा में और हमारे साथ यहाँ पे है अमय, गाड़ी का ओनर. अमय, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और काफी एक्साइटेड हो. बहुत हो, बहुत एक्साइटेड. कौन सा है काय ना? खूब उम्मीद ही आ रहे. बराबर है, पहली गाड़ी ना, उम्मीद है. बराबर है. और बाय द वे, हमारे साथ यहाँ पे है ऋग्वेद, अमय का भाई शुभम और प्रीतेश. ओके, सो अभी टाइम बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और पिछला एक घंटा हमने बिताया मापसा में, क्योंकि हमारे अमय भाई ने लिया है नया हेलमेट. भाई, नया हेलमेट, नया बाइक, क्या बात है. हेलमेट लेना जरूरी है, सेफ्टी भाई पहले. हाँ भाई, सेफ्टी पहले है. डेड और फिलहाल हम रुके हैं फरवरी में इधर सिग्नल के लिए, देखते हैं कभी पहुँचते हैं. ऐसे अमय, मुझे एक बात बता, ऐसे खुद के दम पे गाड़ी देने लगे कैसा लगता है? ऐसे प्राइड फीलिंग होती है, छाती चौड़ी होती है. बहुत प्राइड फीलिंग होता है और जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुमको फल मिलने वाला है. जो भी कुछ आप करेंगे वो तुम्हारे लिए करना चाहिए पहली बार. और जो भी चीज आप लेने वाले हैं वो चीज को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए. शो ऑफ नहीं होना चाहिए भाई. ओके, बस. वैसे व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि फाइनली हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, तो भाई कुछ बताएंगे? गाड़ी लेने के लिए हम थे चतुर्थी में, तो कुछ कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन के लिए हमारे को एंट्री हो गया. हाँ भाई, उनका जो मेजर प्लांट होता है जो कि है चेन्नई में, वो बंद हो गया था ड्यू टू पेंडेमिक ऑब्वियसली, क्योंकि उधर कुछ पॉजिटिव मिले थे. और फाइनली वो गाड़ी आ गई और हमको कॉल लगा. एक्चुअली हम चतुर्थी में ही लाने वाले थे लेकिन डिले हो गए. अभी फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं आज का उधर का एक्सपीरियंस. और वैसे आज हम लेट है भाई. आज लेट क्यों है हम? किसके वजह से लेट हुए? आज लेट क्यों है हम? अम्मा की वजह से. क्या भाई, एक दूसरे पे डालते रहो. अभी चलते हैं इधर से. सो अमय भाई, अमय भाई, हम फाइनली पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड. और कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, दगदग हो रही है. बहुत दगदग. अच्छा, एक्साइटमेंट लग रहा है. आपकी गाड़ी तो नहीं दिखाई दे रही है, अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा रहते हैं अंदर. तो उसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए और खाना होने के बाद निकल पड़े घर की ओर. तो इतना ही था इस वीडियो में. आई नो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, लेकिन 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 एक नए राइड की प्लानिंग अभी चालू है. मे बी 80% चांसेस है हम जा सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर दिवाली. तो जुड़े रहे हमारे साथ. तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. स्टे सेफ, कीप हसलिंग, एंजॉय एंड बाय बाय.